हेलो एंड वेलकम टू 100 परसेंट मैथ्स हम कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए चैप्टर सेवन दैट इज़ इंटेग्रल्स तो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4 लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर नाइन तक कवर किया था क्योंकि वो क्वेश्चन सेम पैटर्न पे थे आज जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर टेन से लेके क्वेश्चन नंबर सेवनटीन से तक तो ये क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता ही मिलता है आपके एग्जाम पेपर्स में सो so, इसको करने के छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी कैसे इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाकर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं सो so, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा सारे टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर टेन एक्सरसाइज सेवन पॉइंट फोर तो इंटीग्रेशन करनी है वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू डी एक्स अब जितने भी हमने इंटेग्रल्स पढ़े हैं सम पर्टिकुलर फंक्शंस के उसमें नीचे या तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है या फिर हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है यही है हमारे पास डायरेक्टली ऐसा कोई फॉमूला नहीं है जिसमें एक्स स्क्वायेर भी हो एक्स वाली टर्म भी हो और एक्स कॉन्सटेंट uh, वाली टर्म भी हो ठीक है ना तो ये जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है तो हमें इसके क्या करना पड़ेगा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा ताकि हम इसे फॉर्मूले की शेप जो है वो दे सकें ठीक है अब यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे अपना मेथड दैट इज़ कम्प्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जिसको हमने क्लास टेंथ में स्टडी किया था अब क्लास टेंथ में अगर आप लोगों ने स्टडी नहीं भी किया हुआ है तभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी ठीक है आप इसके टू थ्री सिंपल स्टेप्स हैं वो आप देख सकते हो और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज़ करके इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं तो नंबर वन जो स्टेप होता है इसके लिए हमें क्या करना होता है नंबर वन स्टेप होता है कि आपको कफ़िशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर को चेक करना होता है क्या कफ़िशेंट ऑफ एक्स स्क्वायेर यहाँ पर वन है तो यहाँ पर तो वन है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वन ना हो तो उस नंबर से आप उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो ठीक है तो वो वन बन जाएगा ओके तो सबसे पहले जो कफ़िशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो क्या होना चाहिए यहाँ पर वन हो चाहिए शुड बी वन ओके ये हो गया स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर टू क्या कहता है स्टेप नंबर टू जो है वो कह रहा है कि जो एक्स वाली टर्म है एक्स वाली टर्म क्या है टू एक्स है यहाँ पर एक्स वाली टर्म का जो कफ़िशेंट है उसको हाफ कर दो ठीक है उसको हाफ करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा वन हो जाएगा ठीक है अब स्टेप नंबर थ्री में जो आपका यहाँ पर आया उसके स्क्वायर को यहाँ पर ऐड कर दो और उसी के स्क्वायर को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें ठीक है तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू है तो इसमें वन का स्क्वायर ऐड कर दो वन का स्क्वायर जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दो इससे क्या होगा आपका ये जो एक्स स्क्वायेर प्लस टू एक्स और साथ में प्लस वन स्क्वायर ये क्या बन जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा ठीक है और साथ में क्या रह गया प्लस टू और यहाँ पे साथ में क्या रह गया माइनस वन तो ये देखो x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन बन गया है. ठीक है तो मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं वी कैन राइट इट एज एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर डी एक्स इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं यूजिंग कम्प्लीटिंग द स्क्वायर मैथड मैंने इसको इसमें चेंज कर लिया अब तो मेरा क्वेश्चन ही बहुत सिंपल हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन होती है डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायेर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ़ इंटीग्रेशन यही होती है हमारे पास तो यहाँ पर x की जगह पर क्या है x प्लस वन है ठीक है x की जगह पर क्या है x प्लस वन है और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर वन है ठीक है सो फॉर्मूला अप्लाई करो यहाँ पर log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस वन प्लस यहाँ पर रूट के अंदर x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है एक स्टेप और सिंप्लीफाई करेंगे x प्लस वन तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं इसको हम ऐसे वापस लिख सकते हैं रूट ऑफ एक्स स्क्वायेर प्लस टू एक्स प्लस टू प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन सो ये आ गया इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आपको नीचे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा कर उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है एंड देन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला सो so नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन पे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी है हमें वन अपॉन नाइन एक्स स्क्वायेयर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव विद रिस्पेक्ट टू टी एक्स की अब नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव तो डायरेक्टली तो हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते तो मेक इट एज अ परफेक्ट स्क्वायर बाय यूजिंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैथड लाइक इन क्वेश्चन नंबर टेन ठीक है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा स्टेप नंबर वन फॉलो करना पड़ेगा तो सबसे पहले हमारे पास है नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव तो स्टेप नंबर वन में हम क्या करेंगे स्टेप नंबर वन में हम एक्स स्क्वायेयर का जो कफ़िशेंट है वहाँ यहाँ पर वन नहीं है तो वन इसको बनाएंगे तो वन कैसे बनाएंगे इसको नाइन से मल्टीप्लाई करके और नाइन से डिवाइड करके ठीक है सो नाइन से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और नाइन से ही इसी को मैं डिवाइड कर दूंगी ठीक है डी एक्स कर दिया अब ये जो वन बाय नाइन है इसको मैं बाहर ही ले, ले लेती हूँ कॉन्स्टेंट ठीक है इंटीग्रेशन के अंदर सिंपल रह जाएगा यहाँ पर बन गया एक्स स्क्वायेयर प्लस सिक्स बाई नाइन एक्स प्लस फाइव बाई नाइन डी एक्स क्लियर है यहाँ तक तो स्टेप नंबर वन जो है वो हमारा हो गया तो स्टेप नंबर वन परफॉर्म करने के बाद हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स बाई नाइन एक्स प्लस फाइव बाई नाइन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक्स स्क्वायेयर प्लस टू बाई थ्री एक्स प्लस फाइव बाई नाइन ओके स्टेप नंबर टू मैंने क्या बोला था स्टेप नंबर टू मैंने कहा था कि x के आगे का जो कफ़िशेंट है उसका हाफ कर दो टू बाई थ्री का हाफ कितना हो जाएगा यानी कि टू बाई थ्री को अगर मैं टू से डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा टू बाई थ्री इंटू वन बाई टू दैट इज़ टू टू कैंसिल वन बाई थ्री आ गया तो टू बाई थ्री का जो हाफ है वो कितना है वन बाई थ्री है तो हम इसमें वन बाई थ्री का स्क्वायर ऐड करेंगे और वन बाई थ्री का स्क्वायर जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे ठीक है ना तो सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया जो भी एक्स का आगे वाली नंबर था या कफिशेंट था उसका हाफ करके उसको उसके स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया ठीक है अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस टू बाय थ्री एक्स प्लस वन बाय थ्री का स्क्वायर तो ये क्या बन जाएगा एक्स प्लस वन बाय थ्री का होल स्क्वायर बन जाएगा ठीक है प्लस फाइव बाई नाइन माइनस वन बाय थ्री का होल स्क्वायर ठीक है अब ये सारे स्टेप्स में अलग से यहाँ पर क्यों कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे बार बार इंटीग्रेशन बार बार डी एक्स बार बार वन बाई नाइन लिखना पड़ेगा तो थोड़ा सा वो लेंथी हो जाता है तो साइड पे सॉल्व करके आप वहाँ पर डायरेक्टली वहाँ पर पुट कर सकते हैं ठीक है बट रफ़ शीट पे नहीं करना फेयर शीट पे ही करके आना है इसको भी फाइव बाई नाइन माइनस वन बाई नाइन हो गया सो दिस इज़ एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वन बाई थ्री का होल स्क्र सो दिस इज़ फोर बाई नाइन सो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वन बाय थ्री का होल स्क्वेयर और यहाँ पर साथ में प्लस और ये बन गया टू बाय थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है ना? सो so, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ठीक है ना सो so, हमारे पास आ गया वन बाय नाइन इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स प्लस वन बाय थ्री का होल स्क्वायर प्लस टू बाय थ्री का होल स्क्वायर डी एक्स ठीक है सिंपल है ओके okay. अब हम अपना इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं सो so, इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्मूला लगेगा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला तो क्या फॉर्मूला होता है वन अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन ओके सो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे अब अपना ठीक है सो वन बाई नाइन ऑलरेडी है सो वन बाई नाइन मेरे पास आ गया वन बाय ए है अब ए की जगह पर क्या है टू बाय थ्री है तो मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू लिख देती हूँ एक्स की जगह पर एक्स प्लस वन बाय थ्री है और ए की जगह पर टू बाय थ्री है ओके सो वन बाय नाइन इंटू वन बाई ए की वैल्यू कितनी है टू बाय थ्री है सो टू बाय थ्री को एज इट इज पुट करेंगे सो टेन इनवर्स एक्स प्लस वन बाय थ्री डिवाइडेड बाई टू बाय थ्री प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अब आस आपको थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है सो दिस इज़ वन बाय नाइन दिस इज़ थ्री बाई टू टैन इन वर्स टे कैल्सियम अपस्टेयर्स आप डे न्यूमरेटर में थ्री एक्स प्लस वन ठीक है और इसको उल्टा करके लिख लो यानी कि थ्री बाई टू प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन थ्री से थ्री कैंसिल थ्री वन जा, थ्री थ्री जा नाइन सो दिस इज वन बाई सिक्स टैन इन वर्स थ्री एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सो दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे तो इंटीग्रेशन करनी है यहाँ पर वन अपॉन रूट ऑफ सेवन माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर को क्या बनाना है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ठीक है तो हमारे पास टर्म क्या है सेवन माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स तो हम क्या करेंगे हम यहाँ से माइनस जो है वो कॉमन ले लेते हैं ठीक है एक्स स्क्वायर को सबसे आगे रखेंगे फिर प्लस सिक्स एक्स हो जाएगा माइनस सेवन हो जाएगा ठीक है अब हमें इसे क्या बनाना है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो स्टेप नंबर वन क्या कहता है स्टेप नंबर वन में हम चेक करते हैं कि कफ़िशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी वन तो यहाँ पर वन ही है तो स्टेप नंबर वन जो है परफॉर्म करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है स्टेप नंबर वन को करने के बाद भी हमारे पास यही आएगा ठीक है देन स्टेप नंबर टू में क्या करना होता है जो भी हमारा एक्स का कफिशेंट है उसको हाफ कर दो यानी कि सिक्स का हाफ कितना हो गया थ्री हो गया थ्री का स्क्वायर ऐड कर दो थ्री का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो सो so मैं यहाँ पर क्या करूँगी सिक्स एक्स माइनस सेवन थ्री का स्क्वायर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया और थ्री का स्क्वायर ही ऐड कर दूँगी ठीक है ये मैंने कर दिया यहाँ पर राइट right? अब उसके बाद हमारा एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री स्क्वायर ये क्या बन गया एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर बन गया ठीक है साथ में क्या बचा माइनस सेवन और यहाँ पे माइनस नाइन बचा ओके सो दिस विल बी माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस ऑफ सिक्सटीन सिक्सटीन किसका स्क्वायर होता है हमारे पास फोर का स्क्वायर होता है सो माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस ऑफ फोर का स्क्वायर ठीक है माइनस हम अंदर ले जाते हैं सो दिस विल बी माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर सो हम इसको लिख सकते हैं फोर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर ओके सो इंटीग्रेशन वन अपॉन रूट ऑफ सेवन माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायेयर को हमने किस तरह बना लिया इस तरह से बना लिया तो so, हम यहाँ पर पुट करेंगे सो दिस इज़ फोर स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर साथ में डी एक्स ओके सो ये कौन सा फार्मूला बन गया डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन इन वर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन सो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन इन एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या है एक्स प्लस थ्री है सो एक्स प्लस थ्री लिखेंगे ए की जगह पर क्या है यहाँ पर फोर है सो so, फोर लिखेंगे प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन सो दिस इज़ द आंसर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे तो इंटीग्रेशन करनी है वन अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू डी एक्स की सो so डिनोमिनेटर को यहाँ पर भी हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे सो so सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स इंटू एक्स माइनस टू कर दिया माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू दिस इज़ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ओके okay. अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायेर माइनस थ्री एक्स प्लस टू और साथ में डी एक्स अब हमें इसे क्या बनाना है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो स्टेप नंबर वन में हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर का कंफिशन चेक करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर वन है सो नो नीड टू मल्टीप्लाई और डिवाइड विद एनी ओके तो स्टेप नंबर टू में हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं थ्री है जो मतलब x की जो कफ़िशेंट है उसका हाफ करते हैं सो थ्री बाई टू हो जाएगा सो थ्री बाई टू के होल स्क्वायर को ऐड करेंगे और थ्री बाई टू के होल स्क्वायर को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे थ्री बाई टू का होल स्क्वायर ऐड किया थ्री बाई टू का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया अब हमारे पास x स्क्वायर है फिर हमारे पास क्या है x वाली टर्म है और फिर हमारे पास ये थ्री बाई टू होल स्क्वायर प्लस वाला सो so ये बन जाएगा x माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर आप चाहे तो इसको सॉल्व करके देख सकते हैं साथ में क्या बच्चा प्लस टू और थ्री बाई टू का होल स्क्वायर ओके सो वी कैन राइट इस x माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर प्लस टू माइनस दिस विल बी नाइन बाई फोर और टू माइनस नाइन बाई फोर को मैं यहाँ पर सेपरेटली सॉल्व कर लेती हूँ ठीक है सो फोर एलसीएम एट बाई नाइन सो दिस विल बी माइनस वन बाई फोर सो दिस विल बी एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं माइनस वन बाई फोर और हम एक स्टेप और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं x माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर ओके, okay. सो so, हम इसको लिख सकते हैं वन अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर डी अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायेयर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है तो फॉर्मूला डायरेक्टली पुट कर सकते हैं एक्स की जगह पर है यहाँ पर एक्स माइनस थ्री बाई टू ओके वो पुट करूंगी प्लस रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है इसको थोड़ा सा सिम्प्लीफाई करेंगे सो दिस विल बी लॉग मॉड ऑफ x माइनस थ्री बाई टू ओके ये ऐसे ही रहेगा और इस स्टेप को हम वापस इसमें लिख सकते हैं या फिर इसमें लिख सकते हैं सेकेंड स्टेप में ठीक है तो इसमें मैं सेकेंड स्टेप में लिख रही हूँ रूट ऑफ एक्स स्क्वा माइनस थ्री एक्स प्लस टू बंद प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये है इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे इंटीग्रेशन करनी है आपको वन अपॉन रूट ऑफ एट प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की अब ये देखो सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे सेम हैं बस आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे तो सबसे पहला माइनस एक्स स्क्वायर के आगे तो मैं माइनस ना कॉमन ले लेती हूँ इजी हो जाता है तो एक्स स्क्वायर आ, आ गया सबसे पहले फिर मेरा माइनस का थ्री एक्स बन गया और माइनस का एट बन गया साथ में ओके इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो स्टेप नंबर वन क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को चेक करना तो स्टेप नंबर वन में भी हमारे पास सेम ही चीज़ रहेगी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एट स्टेप नंबर टू में क्या करते हैं जो भी हमारा x का कफिशेंट है उसको डिवाइड करते हैं 2 के साथ 3 बाई टू बन गया सो 3 बाई टू के होल स्क्वायर को ऐड कर दो 3 बाई टू के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दो ठीक है सो 3 बाई टू के होल स्क्वायर को ऐड कर दिया थ्री बाई टू के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया ठीक है ये हमारे पास आ गया सो एक्स स्क्वायेयर थ्री एक्स और प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, दिस विल बिकम एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, माइनस एट बचा और यहाँ पर थ्री का स्क्वायर हो गया नाइन और फोर टू का स्क्वायर हो गया फोर और ये बाहर माइनस ऑलरेडी है ठीक है अब ये माइनस एट और माइनस नाइन बाई फोर को मैं सेपरेटली सॉल्व कर लेती हूँ सो दिस विल बी माइनस थर्टी टू मतलब फोर एल ले लिया और साथ में आ गया नाइन थर्टी टू को और नाइन कितने होते हैं फोर्टी वन बाई फोर माइनस ऑफ फोर्टी वन बाई फोर सो दिस विल बी माइनस ऑफ फोर्टी वन बाई फोर एक्स माइनस थ्री बाय होल स्क्वायर ठीक है और एक माइनस हमारे पास बाहर भी है सो फोर्टी वन बाई फोर हमारा पॉजिटिव हो गया माइनस अंदर चला गया तो फोर्टी वन फोर को आगे लिख लेते हैं माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर अब हमारे पास ये जो फोर्टी वन है ये तो किसी का स्क्वायर नहीं होता सो so मैं इसकी जगह पे लिखूंगी रूट फोर्टी वन और इसकी जगह पे लिखूँगी टू ठीक है तो और इसका होल स्क्वायर बनाऊँगी क्योंकि मुझे फॉर्मूला की फॉर्म में बनाना होता है सो so ये तो ऑलरेडी एक स्क्वायर ही है, है ना सो so हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट के अंदर रूट फोर्टी वन बाई टू का होल स्क्वायर ठीक है क्योंकि रूट फोर्टी वन इंटू रूट फोर्टी वन इज फोर्टी वन ठीक है तो जब भी किसी का स्क्वायर ना हो तो उसको रूट की फॉर्म में इस तरह से लिख लिया करो x माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर और साथ में डी एक्स यहाँ तक ओके अब हमारे पास a पहले है x बाद में है सो so, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है प्री डिफाइंड इंटीग्रेशन यूज़ करने वाले हैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इसकी तो बहुत ही आसान होती है सो फॉर्मूला अप्लाई करो ठीक है साइन इनवर्स एक्स की जगह पर क्या है एक्स माइनस थ्री बाई टू है सो एक्स माइनस थ्री बाई टू पुट करूंगी और ए की जगह पर क्या है रूट फोर्टी वन बाई टू है ठीक है रूट फोर्टी वन बाई टू है प्लस सी बस अब इसको एक स्टेप सिंप्लीफाई कर दो सो दिस इज़ sin inverse 2x minus 3 divided by 2 divided by root 41 by 2 okay? plus constant of integration 2 say 2 cancel, so answer is sin inverse 2x minus 3 divided by root 41 plus constant of integration. So, this is the answer. सो so नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे तो यहाँ इंटीग्रेशन करनी है वन अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी डी एक्स की तो यहाँ पर हमें जो नीचे वाला हमारा डिनोमिनेटर है इसको परफेक्ट स्क्वायर पहले बनाना होगा तो हम इसको साइड पे सॉल्व करेंगे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो so मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस बी से माइनस ए को x माइनस बी से सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी माइनस ए एक्स प्लस ए बी ठीक है तो ये बन गया एक्स स्क्वायेयर माइनस यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया अंदर आ गया ए प्लस बी प्लस ए बी ये हमारे पास बन गई ठीक है अब हमें क्या करना होता है हमें इसका कंप्लीटिंग द ये मेथड यूज करके हमें इसको क्या बनाना है परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो स्टेप नंबर वन में हम एक्स का कोफिशिएंट चेक कर रहे हैं तो वो हमारा वानी है तो इसमें हमें कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ठीक है नंबर टू में हम क्या करेंगे जो हमारा एक्स का कफिशियंट है तो यहाँ पर देखो एक्स का कफिशियन क्या है ए प्लस बी है इसका पहले हाफ़ कर दो ए प्लस बी बाई टू हो गया ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर ऐड कर दो ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो एक्स इंटू ए प्लस बी ठीक है प्लस ए बी ये ऐसे ही रहेगा ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया ठीक है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ठीक है तो ये हमारा बन गया एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर ठीक है और साथ में क्या बचा ए बी बचा और यहाँ पर बचा ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर ठीक है ना तो ये हमारे पास आ गया ओके अब हम इसको थोड़ा सा सिम्प्लीफाई करेंगे फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे सो so, x माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है इसको एज इट इज ही रहने दीजिए हम सॉल्व करेंगे सिर्फ इस पार्ट को ठीक है तो हम इस पार्ट को अब सॉल्व करने जा रहे हैं मैं यहाँ पर साइड पे सॉल्व करूँगी सो ए बी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू तो इसका होल स्क्वायर ना ओपन कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायेयर प्लस टू ए बी डिवाइडेड बाई फोर ठीक है मैंने इसका होल स्क्वायर क्या कर दिया ओपन कर दिया अब मैं ले लूँगी एल्सियम ठीक है तो यहाँ आ गया फोर ए बी और माइनस अंदर जाएगा तो सारे साइंस चेंज हो जाएंगे ठीक है यहाँ तक फोर ए बी माइनस टू ए बी दिस विल बी टू ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर अब इसमें से क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं ठीक है तो अंदर आ गया ए प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ठीक है बाई फोर ठीक है अब ये ए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी किसका होल स्क्वायर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय फोर और बाहर एक माइनस ऑलरेडी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर ठीक है डिवाइडेड बाय फोर ओके और आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर दिया सो so, हम फाइनली इसको लिख रहे हैं एक्स माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का बाय टू का होल स्क्वायर, ओके राइट तो हम इस x माइनस ए एक्स माइनस बी को इस फॉर्म में लिखेंगे ओके सो इंटीग्रेशन के अंदर आ गया हमारे पास वन अपॉन रूट ऑफ x माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, ओके माइनस ए माइनस बी बाई टू का होल स्क्वायर ठीक है अब ये क्या है एक्स स्क्वायर है ये क्या है ए स्क्वायर है सो so, हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होती है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है जब आपने इतना सिंप्लीफाई कर लिया ना उसके बाद आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है सो लॉग ऑफ एक्स की जगह पर क्या है ये देखो ये एक्स की जगह पर है ये ए की जगह पर है है ना सो एक्स की जगह पर क्या है एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू ठीक है ये एक्स की जगह पर है प्लस रूट ऑफ ये फिर से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये सारा का सारा यहीं पुट कर दो ए एक्स माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायेर ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायेयर प्लस माइनस आएगा सॉरी यहाँ पर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ठीक है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ओके मॉड हमारा बंद हो गया यहाँ पर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया सो न आंसर क्या आएगा हमारे पास लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू प्लस इसको हम वापस जो है वो क्वेश्चन की तरह लिख सकते हैं सो दिस इज एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर जब आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इट विल बी ईजी नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन सिक्सटीन सो इंटीग्रेशन करनी है फोर एक्स प्लस वन रूट ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री डी एक्स ओके अब यहाँ पर देखो हमें नीचे का परफेक्ट स्क्वायर बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तक हम क्यों बना रहे थे क्योंकि ऊपर जो था वो सिर्फ वन था है ना वन था तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पहले देखना है कि हमें जरूरत भी है वो चीज़ करने की कि नहीं करने की तो यहाँ पर हम सिंपल सब्सिट्यूशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि हमें देख रहे हैं कि जो हम नीचे टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री की जब हम डिफ्रेंसीशन करेंगे तो हमारा आ, क्या बन रहा है न्यूमिरेटर बन रहा है ठीक है तो मैं यहाँ पर ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है इसको मैं टीम सपोज कर रही हूँ सो so, इसको मैंने कर लिया टी सपोज अब मैं जब इसकी डिफ्रेंसीशन करूँगी तो आप खुद ही देखेंगे कि हमारा जो न्यूमरेटर है वो बन रहा है इज़ इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आ गया सो दिस इज़ फोर एक्स दिस इज़ वन क्योंकि एक्स की वन होती है और कॉन्स्टेंट की होती है जीरो ठीक है इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स तो देखा फोर एक्स प्लस वन बन गया सो फोर एक्स प्लस वन इज़ इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स सो डी एक्स आ गया आपके पास डी टी अपॉन फोर एक्स प्लस वन ठीक है तो हमारे इंटीग्रेशन के अंदर हो गया फोर एक्स प्लस वन अंडर रूट ऑफ टी क्योंकि इसको t माना था पूरे को भी dx की जगह पर dt टी अपॉन फोर एक्स प्लस हो गया ये दोनों कैंसिल हो गए सो सिंपल हमारे पास बचा वन बाई रूट टी डी ठीक है सो so हम इसको रूट टी को कैसे लिख सकते हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं t की पावर वन बाई टू लिख सकते हैं ऊपर ले जाइए और फॉर्मूला लगा लीजिए x की पावर n वाला ठीक है सो so, t की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन माइनस वन बाई टू प्लस वन प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन सो दिस इज t की पावर वन बाई टू वन बाई टू नीचे प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन टू t की पावर वन बाई टू सो दिस इज टू अंडर रूट t प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है वापस से हम t की वैल्यू पुट करेंगे सो t की वैल्यू क्या थी हमारे पास टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस थ्री प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सो दिस इज द आंसर नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17 ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है इससे आगे वाले क्वेश्चंस डिफरेंट पैटर्न पे बेस्ड हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सो so इंटीग्रेशन करनी है x प्लस टू डिवाइडेड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी तो यहाँ पर देखो आप एक्स स्क्वायर माइनस वन की जब डिफ्रेंसिएशन करो अपने माइंड में तो आपके पास क्या आएगी टू आएगी है ना अब यहाँ पर क्या है x प्लस टू है तो कुछ अभी बन नहीं रहा है तो पहले मैं जो इंटीग्रेशन हैं वो पहले डिफरेंट मतलब कर लेती हूँ तो x अपॉन डिनोमिनेटर कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया डी एक्स और प्लस टू अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स ठीक है इसको करने का एक फ़ायदा होगा इस पोर्शन को हम अलग से सॉल्व कर लेंगे और इस पोर्शन को हम अलग से सॉल्व करेंगे बाद में फ़ाइनल आंसर लिख लेंगे वो आसान पार्ट है ठीक है सो दिस इज़ माई इंटीग्रेशन वन एंड दिस इज माई इंटीग्रेशन टू सो इंटीग्रेशन वन को मैं पहले सॉल्व करने जा रही हूँ सो x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायेयर माइनस वन डी को तो नीचे वाली जो हमारा डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायेयर माइनस वन उसको मैं t पुट करने जा रही हूँ ठीक है सो डिफ्रेंसीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू डी टी पॉन डी हो गया सो दिस इज़ टू एक्स इज़ इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स ठीक है तो डी एक्स की जो वैल्यू है दिस इज़ इक्वल टू डी टी अपॉन टू एक्स ठीक है राइट right? अब इंटीग्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के अंदर क्या लिख सकते हैं एक्स अपॉन अंडर रूट टी आ गया और डी एक्स की जगह पर डी टी अपॉन टू एक्स बनेगा एक्स से एक्स कैंसिल और ये वन बाई टू जो है वो बाहर आ गया एज अ कॉन्स्टेंट वन बाई रूट टी हो गया और साथ में डी टी हो गया ओके अब हम इसको सॉल्व करेंगे वन बाई टू इसको मैं टी की पावर माइनस वन बाई टू लिख सकती हूँ बिल्कुल लिख सकती हूँ लाइक एस प्रीवियस क्वेश्चन ठीक है सो इज इक्वल्स टू वन बाई टू टी की पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन माइनस वन बाई टू प्लस वन प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वन लिख लिया क्योंकि दो इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे वन बाई टू t की पावर वन बाई टू दिस इज ऑल्सो वन बाई टू प्लस सी वन सो ये टू ऊपर चला जाएगा टू अपॉन टू हो गया t की पावर वन बाई टू प्लस सी वन टू से टू कैंसिल दिस विल बी अंडर रूट टू अंडर रूट टी प्लस सी वन ठीक है सो अंडर रूट टी टी क्या था हमारा t को हमने माना था एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी वन तो ये मेरा इंटीग्रेशन वन का आंसर आ गया ठीक है अब मैं इंटीग्रेशन टू सॉल्व करूंगी I2 टू करने जा रही हूँ सो दिस इज़ टू अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन ठीक है एक्स स्क्वायेयर माइनस वन इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूंगी फिर सीधा फॉर्मूला अप्लाई करूंगी टू बाहर आ गया एज अ कॉन्स्टेंट वन अपॉन इसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ एक्स का होल स्क्वायेर माइनस वन का होल स्क्वायेयर ठीक है तो सिंपल ये तो फॉर्मूला ही लग गया डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस ए स्क्वायर सो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑ ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायेर माइनस ए स्क्वायर ठीक है प्लस कॉन्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन है न सो फॉमूला अप्लाई कर दीजिए टू लॉग हो गया मॉड ऑफ एक्स की जगह पर एक्स सी है यहाँ पर यहाँ पर एक्स स्क्वायेयर माइनस वन प्लस सी टू अब हम क्या करेंगे फाइनल आंसर लिखेंगे सो so, फाइनल आंसर इज तो इंटीग्रेशन बन क्या थी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सो दिस इज द फाइनल आंसर